हेलो गाइस, इस चैनल की पहली गेम प्ले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डेड फ्रंटियर खेलने जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे डेड फ्रंटियर क्या है भाई, ये किस खेत की मूली है, तो आपको सब कुछ बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा। इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। सो बेसिकली ये गेम जो है ये है एक सर्वाइवल हॉरर शूटिंग मल्टीप्लेयर मोमो RGB ऐसी कुछ, पता नहीं क्या मोमो RGB ऐसी कुछ होता है, वो वैसी गेम है ये। इस गेम में हमें लेवल अप करना होता है, मिशंस करने होते हैं, जॉम्बीज को मारना होता है, बॉसेस से फाइट करनी होती है, XP कमानी होती है। XP करके हम लेवल अप कर सकते हैं, लेवल अप करके हम फिर अपने प्रोफिशंसीज वगैरह जैसे एजिलिटी, एक्यूरेसी, क्रिटिकल ये सब बढ़ा सकते हैं। वो मैं आगे चल के आप सबको बताऊँगा कैसे करना होता है, बहुत आसान होता है। आउटपोस्ट होती है, 5 आउटपोस्ट होती हैं। सबसे पहली से नेस्टिया होती है, हमें उसमें स्पॉन किया जाता है, हम मिशंस करते हैं, मिशंस मिलते हैं, हमें लूटिंग करनी होती है इसमें, हमें अपनी भूख का ध्यान रखना होता है। प्रोफिशंसीज ये बहुत मेन है, इसमें 5 प्रोफिशंसीज होती हैं। इंजीनियर से आर्मर रिपेयर कर सकता है, साइंटिस्ट मेडिसिन बनाता है, शेफ भी मेडिसिन कह रहा हूँ खाना बनाता है, फार्मर जो है वो भी, डॉक्टर जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं मेडिसिन, मतलब आपको उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप खुद ही कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइंटिस्ट ले लूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियर और डॉक्टर तो मैं ले चूँगा, लेकिन मैंने फार्मर शेफ और साइंटिस्ट अभी तक नहीं लिया, तो मैं साइंटिस्ट ही ले लेता हूँ, साइंटिस्ट सही रहेगा। कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ये सही है। इंट्रो आप लोग देख लेना, इंट्रो तो स्किप ही कर देता हूँ मैं, बहुत बकवास इंट्रो है। ये वेलकम मैसेज है, मैसेजेस दो न्यू मैसेजेस हैं वो देख लेना, वेलकम मैसेज है ये। टिप्स वगैरह होंगी शायद इसमें, अब ये मिशन आया होगा दंगर, ये आप लोग पढ़ लेना अगर दिल करो तो। 10 घंटे इसके एक्सपायर होने में, बहुत टाइम है, सुकून से मिशन करेंगे। अभी चलते हैं इनर सिटी में, इनर सिटी मतलब गेम के अंदर जाना था। अभी कर लो, अब आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज इंस्टॉलर गेम में जाने के लिए, फिर आप डाउनलोड करने के बाद लॉन्च स्टैंड अलोन क्लाइंट पर क्लिक कर लेना, आप गेम में चले जाओगे। अभी अगर मिशन देखना है कि कहाँ पर है, कितनी दूर है मिशन, तो उसके लिए ये वेबसाइट है, लिंक दे दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में। 4 ब्लॉक दूर है, सही है, करीब है, चलेंगे गेम में चलते हैं। अभी गेम में आ गए, ये गेम है हमारा प्यारा सा अजीब सा सही है यार, गेम लो एंड PC की गेम है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब आपको ज़ॉम्बीज को ये गोल गोल घूम के ही मारोगे, सीधा सीधा करके मारोगे तो हो सकता है वो आपको काट ले, ऐसे गोल गोल घूम के मारना इसी तरह सही रहता है। मैंने भी थोड़ा मुश्किल है इस तरह से मारना, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। लूट भी करते रहना, बुलेट्स भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं आपको, खाना भी मिलता है आपको, कभी कभार आर्मर मिल जाता है, वेपन्स मिल जाते हैं। फटाफट चलते हैं, 3 ब्लॉक दूर है, सही है, एक ब्लॉक कवर कर लिया हम, कि दूसरा ब्लॉक लूट कर लेता हूँ। बॉडी पैसा मिला, नाइस। लेवल अप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कोने में आप लोगों को गोल्डन गोल्डन लिखा हुआ आ रहा होगा, दिख रहा होगा, लेवल 1 हूँ मैं अभी, गोल्डन हो जाता है मतलब आपने लेवल अप कर लिया। पैसे उसके बारे में परसेंटेज भी लिखी है कि कितना बचा है, मेरा 100% फुल हो गया लेवल। एक जोन और दूर हूँ बस, मैं भी फटाफट पहुँच जाऊँगा। आप लोग भी ये गेम ज़रूर ट्राई करना, लो एंड PC गेमर्स के लिए थे, कोई फंसा दिया तुम बचा तो हो गई। तो मैं कह रहा था लो एंड PC गेमर्स के लिए बहुत अच्छा गेम है सच, मतलब लो से लो PC में भी ये गेम आराम से चल जाएगा। अब ये मिशन एरिया में पहुंच गया, ये लिखा हुआ आ जाएगा आप लोगों को, मतलब जिससे भी रिलेटेड मिशन होगा। आपको लूटिंग वाले मिशन में सिर्फ ट्रक्स पर ही जाना है, आपको सप्लाई वगैरह जो भी आपको कलेक्ट करना है आपको ना बॉडी से मिलेगा, ना छोटी मोटी गाड़ियों से मिलेगा, ना घर में जाके मिलेगा। घर में भी जा सकते हैं हम ऐसे लूटिंग करने के लिए, घर में भी ज़ॉम्बीज होते हैं बहुत सारे।
फटाफट मैं जाता हूँ उस तरफ, ये रहा वो ट्रक, इसको भी लूट कर लेता। सप्लाई मिल गई दो और, एक और चाहिए बस। इस जोन में नहीं है वो, यहाँ पे ऊपर वाले जोन की बॉडी लूट कर लेता हूँ। खाना मिला, नाइस। इसमें खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम नरिश्ड से नीचे चलेगा, मतलब अगर ये कलर ग्रीन है, ग्रीन से येल्लो हो गया, तो आपकी एक्सपी जो है आपको कम मिलेगी। तो ऊपर फटाफट से ले लेता हूँ मैं एक और फूड सप्लाई। ये रहा, सही है, हो जाएगा, हो गया है, मिशन तो हो गया, नाइस। मैं सोच रहा हूँ ज़ॉम्बी को मार के लेवल अप कर लेता हूँ फटाफट से। ज़ॉम्बीज चेंज ऑफ प्लान, ज़ॉम्बीज को मैं नहीं मार रहा, रहने देता। ओबे भाई देखा, बहुत खतरनाक मतलब सीन हो जाता है। मरने के बाद ये है कि आपके लेवल 5 के बाद जो है ना, मरने के बाद आपके वोट साइज आ गया। ये बड़ी खतरनाक चीज़ ने काटा मुझे। निकलो भाई यहाँ से। वो भी दोबारा काट दिया भाव यार, एनर्जी ख़त्म हो गई मेरी। स्टेमिना होने में दिख रहा होगा आपको, इसका भी ध्यान रखना पड़ता। इन्वेंट्री में जाके मेडिकल मेडिसिन वगैरह लगा लेता हूँ मैं फटाफट से। आयदा बाकी आप जो है जा सकते हो इन्वेंट्री में, और जो भी कुछ फेंक रहा हूँ आपको ये डिस्कार्ड पे कोने में लिखा होगा, अब उस पर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, हो जाएगा डिस्कार्ड। यहीं से मैं एक्सपी कलेक्ट कर सकता हूँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के। सबसे मेन है या तो एजिलिटी आपकी अच्छी हो, एजिलिटी मतलब स्पीड आपकी तेज़ हो मैक्स, या तो फिर आपका क्रिटिकल अच्छा होता कि आप ज़ॉम्बीज़ को मारो। अभी तो एक्यूरेसी खराब है मेरी। ऐसा शुरू शुरू में लेवल अप करना था, लेकिन आगे जाके बहुत एक्सपी कलेक्ट करनी पड़ती, लेकिन वो भी हो जाता है बॉसेस को मार के। इसमें बॉसेस भी हैं वैसे, बड़े बड़े भी हैं, अभी तो यहाँ पे छोटे छोटे होंगे बॉसेस। बॉस मैप में हम देख सकते हैं कि बॉसेस कहाँ हैं। मैं भी बच गया, मैं फंसाया था ज़ॉम्बीज में, सही का बचा। अभी तो ये ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ज़ॉम्बीज। इससे भी खतरनाक ज़ॉम्बीज आते हैं, बहुत खतरनाक तेज स्पीड वाले। स्पाइडर आएगा अभी तो, टेंडर लाइन। अभी मैं आ गया हूँ अपने जोन में, नेस्टियास होल्ड आउट। 5 जोन्स होते हैं, आउटपोस्ट जोन जो भी कह लो, 5 आउटपोस्ट होती हैं, और लास्ट सबसे लास्ट जो होता है वो सैग्रोनॉम बंकर होता है। वहाँ पे होते हैं खतरनाक ज़ॉम्बीज, खतरनाक प्लेयर्स, खतरनाक बॉसेस। वहाँ पे मज़ा आता है सही, असल गेम वहीं पे जाके शुरू होती है हमारी। अभी मैं लेवल अप कर लेता हूँ, एजिलिटी मैंने फुल बढ़ा ली है क्योंकि स्पीड की भी बहुत ज़रूरत है। अभी मैं सीधा लेवल 5 पे पहुँच गया हूँ, इतनी सारी एक्सपी कलेक्ट कर ली मैंने। मशीन गन बढ़ा लेता हूँ, एजिलिटी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ मैं, और इसकी जगह क्रिटिकल बढ़ा लेता हूँ। क्रिटिकल भी थोड़ा होना चाहिए ना। मेरा कज़न हमेशा कहता था कि अगर भाग नहीं सकते तो मारो, या मार नहीं सकते तो भाग जाओ। तो भागने के लिए स्पीड ही नहीं होगी तो ना भाग पाएंगे, ना मारने के लिए क्रिटिकल होगा तो मार भी नहीं पाएंगे। अभी बिल्ड्स होते हैं हमारे पास, 3 साइलेंट होती हैं और 3 जो है क्राउड कंट्रोल होती हैं। अब आप ऐसा नहीं कि साइलेंट साइलेंट, तो मिली या पिस्टल ले लो आप, दो साइलेंट, ऐसा नहीं है। मिली या राइफल ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको एक मिली या मशीन गन लेनी पड़ेगी, मतलब एक साइलेंट और एक क्राउड कंट्रोल, ताकि आप साइलेंट मिशन में साइलेंट वाले वेपन यूज कर सको, क्राउड कंट्रोल में क्राउड कंट्रोल वाला, अगर ज़ॉम्बीज आपके पीछे पड़े तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने जो मिली और मशीन गन यूज़ करा था अपने सबसे पहले लेवल में, अब आप ज़रूरी नहीं है आप भी मिली और मशीन गन यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस वाले में अभी राइफल और मशीन गन के साथ जा रहा हूँ, ये सबसे एक्सपेंसिव बिल्ड है, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगेगी मुझे।
और हम मेहनत से घबराने वालों में से नहीं है। अभी शुरू तो कर दिया मैंने ये, अब देखते हैं क्या होता है भाई। अभी एक ब्लॉक नीचे जॉम्बी है, फ्लेमिंग जॉम्बी, उसको मारने चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।